आपको कहाँ है? कहाँ से है? कहाँ है? हम लोग शादी में है। शादी में आ रहे हैं, ठीक है। आप कहाँ से आए, किसके तरफ से? हम लोग लड़का लोग की तरफ से ही है। क्या कौन लगते हैं लड़का का? एक काम कीजिए, आप लोग खाना इधर लाइए, चलिए निकलिए। अनजान शादी में घुसे और चप्पल से मारता वो लोग अगर हम लोग भागते नहीं वहाँ से। तो इंसिडेंट है 3 दिन पहले। पहले बता दे, राइट साइड में हम हैं रजुआ, लेफ्ट साइड में मेरे ही जैसी प्राणी है मेरी दोस्त। हम दोनों घुसे थे एक शादी में और इतना बेल के खाए हैं और नाचे हैं 2 घंटा लगभग, और उसके बाद हम लोग को लात तो मार के निकाल दिया गया शादी से। तो चलिए विस्तार में देखते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? घंटा ठंडा इतना है नहीं जितना हम ऑक्सीजन खींच रहे हैं अपने मुंह से। ऐसे हवा ले रहे जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सब खींच रहे हैं हम ही। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हम ही को ठंडा लग रहा है। लेकिन बीमार होने से तो अच्छा है कि यही लगे कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हमको ठंडा लग रहा है। इतनी ठंड हो रही है लेकिन हम बता दें कि ये कुहासा नहीं है भाई, ये कुहासा ही है। क्यों, किसी ने आग लगाई है पता नहीं, क्योंकि पीछे मेरे को धुआं नहीं दिख रहा था। अरे पीछे लाइट नहीं था यार, इसलिए धुआं नहीं दिख रहा था। लाइट्स नीड्स टू क्रिएट इट्स वे थ्रू अ पैसेज ऑफ डस्ट। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम पता क्या करने वाले हैं? आज हम एक अनजान इंसान के शादी में घुसने वाले हैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ। नहीं, आधी रात नहीं हो रही है, अभी 4 ही बज रहे हैं शाम के। ठंडा का मौसम है ना, अंधेरा जल्दी हो जा रहा है। अभी हम जिस जगह पे है ना वहाँ पे फोन बहुत जल्दी छीना जाता है क्योंकि अंधेरा है यहाँ पे। लाइट ऑफ करके व्लॉग बनाएंगे क्योंकि सामने वाले को मेरा मोबाइल दिखे ही ना। आज हम और मेरी बेस्ट फ्रेंड घुसने वाले हैं किसी स्ट्रेंजर के शादी में। मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर रहती है, लेट मी टेल यू। तो पहले हम अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जा रहे हैं, क्यों? उसके बाद हम दोनों मिलकर जाएंगे शादी में। यार रात में बहुत मुश्किल से मम्मी पापा को मनाया निकलने के लिए, पर शादी रात ही में होता है तो और कोई ऑप्शन नहीं था। कोई बहुत टाइम से करना था यार किसी अनजान आदमी के शादी में घुसने का काम, लेकिन मेरे जैसी कोई हरामी अनुशासन, कोई ऐसा दोस्त चाहिए था जो मेरे तरह ही बदमाश हो, खुरपाती दिमाग का हो, जिसको बेइज्जती से फर्क नहीं पड़ता हो। तो हम जैसे ऑटो में बैठे, सामने एक ऑटो था उसमें लिखा था कद बढ़ाए वरना पैसे वापस पाए। कॉम्प्लेन का धंधा बंद करवाएगा ये लोग। दुनिया में बोना कोई बचेगा नहीं, भगवान जैसा धरती को बनाया है वैसा इंसान रहने ही नहीं देगा। फ्रेंड की कॉलोनी में पहुंचे और यहाँ मेरे को मेरे फैमिली के कुछ मेंबर्स मिल गए। मेरे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं जिनको मतलब हम तो नहीं जान पाते लेकिन सब हमको जरूर जानता है। रजुआ दीदी, आप भले हमको नहीं पहचानती होगी, हम पहचान गए आपको। कुछ फैंस मिले यहाँ पे, दोनों येलो पहने हुए हैं। जबरदस्ती पहना गया क्या? नहीं नहीं ऐसे। नाम तो बता दो। रोहित। रोहित, और आप? राजा। तो हम अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर पहुंच गए। आप लोग सोच रहे होंगे बेस्ट फ्रेंड वाला जमाना रह गया यार, अब बेस्ट फ्रेंड थोड़ी रहता है कोई किसी का। पर ये मेरी अच्छी दोस्त है। डर गई क्या? ब्याह हो गया तुम्हारा? अरे कुछ हो पाई नरे, बुलाया गया है नहीं तो ज्यादा तामझाम करो मत, ठीक है? भाई तुम सुंदरी है, तेरे पे सब अच्छा लगेगा। मेरा मोजा नोटिस की बहन। हाँ, 2 कलर का है। अच्छा तुम लोग मतलब एक्सेप्ट कर ली हो कि हम जोकर हैं? हाँ। पापा के सामने खड़ी हो रही एकदम मर्दाना। पापा इसे भी बोल ही रहे। क्या बोल रहे थे? वो जो तुम्हारी फ्रेंड आती है ना, मर्दाना नहीं काहे दिखती है, मर्दाना नहीं है। तो हम अपनी मेहरारू के साथ निकले, रास्ते में देखे एक्सीडेंट हुआ पड़ा था और भयंकर एक्सीडेंट। बड़ा बड़ा गाड़ी तो जा नहीं पा रहा था, हमारे पास स्कूटी था तो हम लोग साइड से निकल गए। भाई बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ। हे भगवान, सबकी रक्षा करना। अम्मा मेरी दोस्त निकल गए शादी में जाने के लिए, बहुत ठंडा हवा चल रहा है यार। किधर घुसा जाए बहन? इसमें चले भाई। चल ठीक लग रहा है भाई, उतना बड़ा भी नहीं है, अपने लेवल का लग रहा है। गाड़ी कहाँ लगाएंगे भाई? उधर। हम लोग अंदर जाने वाले हैं, अभी यहाँ पे एक शादी हम लोग को मिल गया रास्ते में। भाई तुमको डर नहीं लग रहा है? भाई गजब बेसुरों की तरह की हुई हो तुम भी तो। कोई तो मिला भाई जिसके साथ हम शादी में स्नीक। धीरे बोल। भाई कुछ ले लेना चाहिए था ना यार देने के लिए। देना पड़ेगा, मम्मी पापा तो बोलते हैं कि बच्चा लोग को नहीं देना पड़ेगा। चलो चलो साथ चल रहे हैं, चलो। एक सेकंड भाई, लोग थोड़ा लड़की है। मारी है तुमको, बैठा के लाया। अंकल ने पार्किंग में हेल्प किया, उधर एक लड़का जा रहा था उसको तो ऐसा डांट के भगाए थे, हम लोग को प्यार से भेज रहे थे। इंडिया में ये भी तो है, कन्या है हाथ मत लगाना, लड़का है कुचल दो। भाई गुस्सा मत मेरे अपार्टमेंट में। भाई हमको लड़की लोग के ड्राइविंग स्किल पर भरोसा नहीं होता, लेकिन तुम पे हो गया भाई। भाई सुन, बोलना कम और खाना ज्यादा है, ठीक है? अर्ज किया है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और खाएंगे हम लोग आज पेट भर के खाना। अरे समधी जी लग रहे दोनों के दोनों, ये लोग शादी के टाइम पे ही रिश्ता पक्का कर रहे थे क्या? देखो पीछे से पंडित जी भी जा रहे हैं। एंट्री मारने के जस्ट बाद हमारे ऊपर फूल छींटा गया और वेलकम किया गया, और जैसे ही पंडाल के अंदर पहुंचे ना, पंडाल बहुत खूबसूरत था, अच्छी शादी हो रही थी यार वहाँ पे, और हम लोग का डर वर तो खत्म हो गया। हम लोग इतना खुश हो गए कि भाई खाएंगे अब यार। गाना का सिलेक्शन थोड़ा कैजुअल है। वेज है ना? वेज है।
ब्लॉग बन रहा है भैया। कैसा भाई? अच्छा है, थोड़ा कच्चा है। बीन बोला है शादी में कच्चा देखोगे, चुपचाप खाओ समझी ना। भाई अंदर शादी हो रहा है, अंदर जाके क्या करेगी तू? नहीं कर सकते, बजा देगा। चलता चल, आप सब करेंगे, ले ले। ये। हमने पास्ता खाया, पनीर टिक्का खाया और ठंडा में गरम गरम सूप पिया। वहाँ डोसा था, मोमोज था और एक वहाँ का स्पेशल ड्रिंक था मलाई मखनी, जिसमें एक अंकल ने ऊपर से मलाई डलवाई और पिस्ता बादाम भी डलवाया। सबसे ज्यादा टेस्टी लेकिन यही वाला खाना लगा। बहुत कुछ बचा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम लोग शादी में आए। शादी में आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये किसके तरफ से? हम लोग लड़का लोग की तरफ से ही है। ये फंस गया सी है। क्या कौन लगते हैं लड़का का दोस्त? हम जैसे ये जैसे लड़का के फूफा है, यही सभी को इनवाइट किए हैं। पहचानते हैं आप इनको? हम तो देखते नहीं किए कभी। एक काम कीजिए, आप लोग खाना इधर लाइए, चलिए। बेइज्जती हो गया भाई। इतना बेइज्जती पर रोना आ जाना चाहिए भाई। गाइस लिटरली हम लोग शादी में आए थे और बहन हम लोग पहली बार किए थे यार, ऐसा पहली बार इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा है भाई। चल भाई स्कूटी निकाल, आपका बारात में नाच के जाओगी। क्या रे भाई, क्या एक्टिंग हुआ है भाई। अरे फूफा जी इस, हम लोग जानते थे लेकिन हम लोग को यहाँ बुलाया गया था, सॉरी ये प्रैंक था एक, और पता नहीं शायद ये बहुत ही गंदा और वाहियात प्रैंक था क्योंकि कोई अच्छा एक्टिंग नहीं किया। अच्छा एक्टिंग था यार, लेकिन हम लोग अच्छा एक्टिंग था, भोलू बहुत अच्छा किया, हम लोग कोई अच्छा एक्टिंग नहीं कर पाए। हम लोग के चेहरे पे थोड़ा सा अफसोस रहना चाहिए ना बहन निकालने का, तो हम बेसारा में इसको कभी थोड़ा सा रोने का एक्टिंग कर लेती कि हाँ भाई निकाला जा रहा है, कुछ नहीं। क्यों रोए? बेसारा में पहले से सच में निकाला जाता ना, उसके बाद भी ऐसा नहीं करते। देखिए पहली बार हमारे कोई प्रैंक वीडियो बना, ठीक है, अगली बार सीधा ना मम्मी को लेटर लिख देंगे, मम्मी मनाली जा रहे हैं, 6 घंटा बाद घर वापस जाएंगे, उसके बाद जो रिएक्शन होगा ना वो प्रैंक वीडियो डालेंगे, मम्मी चप्पल मारेगी हमको। आप लोगों को यही सब चाहिए ना, आप लोगों को फन चाहिए ना, देते फन। ये देखिए ये फूफा की शादी में यही हम लोग शादी में इन्वाइट किए थे, तो ये प्रैंक वीडियो था गाइस। मेरे को अगर बुरा लगा तो लिख देना कि बुरा लगा। लड़का लोग की तरफ से ही है। कौन लगते हैं लड़का का? किसके शादी में आई फूफा? लेकिन मजा आया, हम लोग इंजॉय किए जो भी था यार। हम लोग का जो क्लास लगा है ना वो ये है, इनका नाम भोलू है और क्या मस्त एक्टिंग किए एकदम भगाने का। हम लोग लेकिन हक दिए बहन, बिहार में दारू बहन है तो हम लोग ब्लैक में दारू बेच रहे हैं रोड पे जाके। दारू हमने इसमें पैक किया है, बकाडी बकाडी समझते हैं ना इसमें बोलता। यहाँ से पहले माहौल बना लिया है और नाचने के बाद जब थकेगा तो इतना बचा के रखा है ताकि वहाँ फिर से एनर्जी मिले। अभी ठंड भी बहुत है, थोड़ा भी चाहिए। मम्मी पानी है ये, ठीक ना? अरे नहीं आंटी जी, ये झूठ आपको मूर्ख बना रही है। अरे पड़ाका फूट गया, पड़ाका। देखो मम्मी बच्चा है साथ में, रोड पर इतना सब थोड़े करेंगे, जली जीवन है, ड्रामा नहीं कीजिए फूफा जी। हम 18+ कंटेंट कब से बनाने लग गए यार, ये अपना ही बनाते क्या? ये जो है ना बहुत अच्छे हैं, हम लोग को ऑटो बुक करके घर भेज रहे हैं, दोस्ती गद्दारी कर दिया देख लीजिए, दूसरा गाड़ी से जा रही है। बाय बाय, थैंक यू बाय, एंजॉय द लॉट, बाय फूफा जी। अरे रिसेप्शन में भी आना है यार, बहुत मजा आया आज, बहुत इंजॉय किए। देखो जब हम लोग ब्लॉग को इंजॉय करते हैं तो शायद आप लोग भी ब्लॉग को इंजॉय करते हैं क्योंकि वो चीज एकदम रियल होता है। रजवा का ब्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर देना, आपके सपोर्ट का बहुत जरूरत है। आधा रात के 1 बजे लड़की सपोर्ट मांग रही है तो सच में सपोर्ट का जरूरत होगा भाई। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अगर तुम्हें थोड़ा भी मजा आया हो तो थोड़ा भी आओ तो कर देना, ठीक है। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।